ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में हम जीत के आएगा तो हम क्या कर सकता है वो लोगों को सामने रखने का जो हमारा इश्यूज है वो आपका सामने हमारा होम लीडर बिजू किसान को बजाता हुआ पहले भी आया था जो सेंट्रल कमेटी मेंबर है और हमारा उनका तरफ से जो वो प्रकाशन करेगा और उन्होंने कुछ आपका सामने प्रबोधित करेंगे। कॉमरेड विजय कृष्ण सीपीआईएम पार्टी का सेंट्रल सेक्रेटरीट मेंबर है और ऑल इंडिया किसान सभा का ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी है, वो अभी आपको दो मिनट बात करें। ये हमारा यहाँ के लिए जो मैनिफेस्टो है कॉमरेड अय्यप्पन इस चुनाव में लड़ रहे हैं इसका पहले एक कॉपी आप सभी को ऑल इंडिया रेडियो का सभी को दे सकते ये जो आने वाला लोकसभा चुनाव है हमारे देश के जनवाद और संविधान को बचाने का एक लड़ाई है और देश में जो कॉरपोरेट लूट मचा है उसको रोकने का और आम जनता जो मेहनतकश किसान उनके जो रोज़मर्रे के मुद्दे हैं उसको लेके जैसे महंगाई हो जो रोज़गार का दिक्कत है हमारे युवाओं के लिए ये सभी मुद्दों को लेके हम लोग इस चुनाव में और इस देश में जो सांप्रदायिक ताकतें एक ध्रुवीकरण करने का कोशिश है उसके खिलाफ़ एकजुटता के साथ लड़ने का हम लोग इस मुहिम में हम लोग सभी आए हैं इस चुनाव में। साथियों ये आप सभी जानते हैं अभी 10 साल से नरेंद्र मोदी और भाजपा का सरकार इस देश में है। 2014 में काफ़ी लुभावने वादे देते हुए चुनाव जीत के आने वाले इस सरकार सबका साथ विकास सबका विकास सभी भारतीय नागरिक के खातों में 15 लाख रुपया ले आने का बात था, युवाओं के लिए हर साल 2 करोड़ रोज़गार मतलब 10 साल में 20 करोड़ रोज़गार का अवसर, बहुत हो गया महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार ये था नारा और पेट्रोल डीजल ये सब का दाम कम करने का बात भी था। आज आप सभी जानते हैं आज का खबर है पेट्रोल जो है 100 से ऊपर है और डीजल भी 100 पार किया था और ये जो एलपीजी सिलेंडर है उसका तो 1100-1200 उस तरीके से हो रहा है तो ये महंगाई जो है उसको रोकने में ये पूरा विफल हुए हैं। किसानों को काफ़ी वादे ये किए थे किसान का आमदनी दुगना करेंगे किसान आत्महत्या बंद होंगे स्वामीनाथन कमीशन सिफारिश को लागू करेंगे इस तरीके से कुछ वादे जो है आज तक एक भी लागू नहीं हुआ है। तो मोदी सरकार की गारंटी आप देखे होंगे बड़े बड़े होर्डिंग अंडमान में भी ज़रूर लगा होगा ये मोदी सरकार की गारंटी जो है धोखा है। एक भी गारंटी किसान और आम जनता को जो दिया वो लागू नहीं हुआ। किसान का आमदनी अगर दुगना होता कम से कम 2,71,000 रुपया होना चाहिए सरकारी आंकड़े कहते हैं पर आज के दिन 1,22,000 के आसपास ही है। किसान आत्महत्या किसान और दिहाड़ी मजदूर खेत मजदूर पिछले 10 साल में 4,25,000 से ज़्यादा बेरोज़गार शिक्षित बेरोज़गार युवा 50,000 से ज़्यादा खुदकुशी किए हैं नरेंद्र मोदी के इन 10 सालों में। ये हमारा देश का स्थिति है उसी उसके साथ साथ हम देख रहे कैसे कॉरपोरेट लूट को बढ़ावा देने के लिए यहाँ जो कोविड महामारी के समय में भी जिस तरीके से उनका जो कर्ज है उसको माफ़ करना जबकि मेहनतकश किसान मजदूर का जो कर्ज उसको माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है ये स्थिति है। देश का जो संपत्ति उसको बेच रहे हैं सभी जो सार्वजनिक क्षेत्र में जो मुनाफा कमाने वाले कंपनियां हैं एक के बाद एक उसको बेच रहे हैं मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के नाम पर। तो ये सभी के खिलाफ़ हम लोग एक बुलंद आवाज़ पार्लियामेंट में ज़रूरत है। अंडमान का जो मुद्दे वो कॉमरेड
अयपन आपको बताएंगे इसमें जो मैनिफेस्टो में और जो मुद्दे हैं। यहाँ पे भी हम जानते हैं कैसे यहाँ के जो ज़मीन है कॉरपोरेट कंपनियों को देना, पाम ऑयल कल्टीवेशन के लिए, ये ऑयल पाम का कल्टीवेशन के लिए ये सभी चल रहा है। यहाँ का जो पर्यावरण का मुद्दा है, यहाँ का युवाओं के लिए जो रोज़गार का हो या बेहतर शिक्षा का जो प्रबंध करना, ये सभी का दिक्कत है। इन सभी मुद्दों को लेके यहाँ खास करके जो बहुत बड़े पैमाने में सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो या टीचर्स वगैरह है, उनको बहुत बड़े पैमाने में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम भी, ये सभी जो मुद्दा है इसको हम उठाएंगे इस चुनाव में। और पिछले 5 साल जो यहाँ से एमपी बन के गए, अंडमान से जो चुन के गए, वो पार्लियामेंट में चुप रहे या जो केंद्र सरकार है उनके साथ एक पैसिव साइलेंस रखते हुए उनको ही बढ़ावा देने जैसे यहाँ पे भी काम, उनका और भाजपा में बहुत ज़्यादा फर्क यहाँ पे नहीं देखा गया। जैसे वो सीएए का मुद्दा है उसके खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है, अन्य जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और दंगे होते हैं उसके खिलाफ भी एक स्पष्ट रूप से बोलने के लिए तैयार नहीं रहा। ये सभी को लेके कॉमरेड अयपन और डिटेल से बता दें भैया। हाँ ठीक, अभी आपके सामने कॉमरेड विजय कृष्ण हमारे पार्टी का सेंट्रल सेक्रेटरी मेंबर ब्रीफली नेशनल सिचुएशन के बारे में बताया था। उन्होंने ये मैनिफेस्टो, इलेक्शन मैनिफेस्टो, लोकल इलेक्शन मैनिफेस्टो रिलीज़ किया, और इसके अलावा जो है हमारा पार्टी का नेशनल लेवल का एक मैनिफेस्टो है, वो भी आपको दे देंगे एक दो दिन के अंदर में, वो भी रिलीज़ हो जाएगा। तो ये मैनिफेस्टो बोलने से, ये नरेंद्र मोदी का मैनिफेस्टो नहीं है। नरेंद्र मोदी का मैनिफेस्टो के बारे में अभी कॉमरेड ने बताया आपको क्या क्या है करके, लेकिन हम लोग ऐसा तो नहीं है, इसमें 33 इश्यूज़ के बारे में हम लोगों ने जिक्र किया। अगर अंडमान निकोबार से सीपीआईएम पार्टी अगर जीतेंगे तब हम ट्राई करेंगे ये 33 पॉइंट्स इम्प्लीमेंट करने के लिए अंडमान निकोबार का लोगों के लिए। तो उसमें सबसे पहले है प्रमोटिंग, प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग ऑफ द आइलैंड्स यूनिक एथोस एंड सोशल फैब्रिक, यूनिटी एंड अमिटी इन डाइवर्सिटी। ये तो अंडमान एक मिनी इंडिया है, ये मिनी इंडिया का तरह जो रखने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि इसको तोड़ने के लिए बहुत कोशिश चल रहा है, खास करके संघ परिवार का ओर से पिछले कई सालों से जो है, जो भाईचारा हमारा देश में, हमारा अंडमान निकोबार में है, वो तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा है। जब तक सीपीआईएम इधर में रहेंगे, सीपीएम ये अलाउ नहीं करेगा, सीपीएम उसका विरोध करते रहेगा। और दूसरा जो है हमारा मांग है लेजिस्लेटिव असेंबली, पौंडीचेरी मॉडल का लेजिस्लेटिव असेंबली का गठन होना चाहिए अंडमान निकोबार में, और निकोबार डिस्ट्रिक्ट के लिए सेपरेट लोकसभा सीट निकोबारी ट्राइबल्स के लिए रिजर्व करने के लिए ये हमारा डिमांड है। और इन्फ्लक्स ऑफ पॉपुलेशन, लोग जो अभी अनचेक्ड पॉपुलेशन जो है इधर में आ रहे हैं, ये कौन लेके आ रहे हैं ये लोगों को, वो कैसा आ रहा है इधर में, कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है, इसका बारे में भी जो है जांच होना चाहिए। और पूरा जो है 100% जॉब, यहाँ का जो है पूरा जो जॉब जो है नौकरी है गवर्नमेंट सेक्टर में ग्रुप बी नॉन गजेटेड एंड ग्रुप सी में, ये पूरा से पूरा पोस्ट अंडमान निकोबार का नौजवानों को देने के लिए उचित कानून बनाने के लिए हम कोशिश करेंगे। और ऐसा स्कीम बनाएंगे जिसका जरिया से अंडमान निकोबार का नौजवानों को नौकरी मिल सके। और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, हम लोग हमेशा पहले भी हम लोग रखते थे कि अंडमान में जो है 1 लाख से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रीज में नाम रजिस्टर करके बैठा है, तो इनका कोई आमदनी नहीं है, लड़का घूमता है तो हमें पेरेंट्स से डिपेंड है। तो हम चाहते हैं कि जो है जैसा केरल वगैरह में है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, बेरोजगारी भत्ता, वो देने के लिए हम कोशिश करेंगे। और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ज़्यादा से और ज़्यादा से ज़्यादा सामान सिविल सप्लाईज का, पब्लिक पीडीएस का थ्रू से जो है देने के लिए हम लोग कोशिश करेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी आने के बाद में जो है ये चीनी वगैरह बंद हो गया, सबको चीनी मिलता था अंडमान में, वो सब बंद हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा आइटम्स इसका थ्रू से देने के लिए हम लोग कोशिश करें। और फॉरेस्ट, डीम्ड फॉरेस्ट लैंड जो है यहाँ डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए
खास करके आउटस्टेशन में ज़मीन नहीं मिल रही है। ये जो है देखते हुए हम लोगों ने अभी मांग रखा है कि हम कोशिश करेंगे ज़्यादा और ज़्यादा जो है डीम्ड फॉरेस्ट लैंड डाइवर्ट करके डेवलपमेंट पर्पस के लिए यूज़ करना, ये हमारा मांग है। और ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, डिसेबल्ड पेंशन, ये सबका बढ़ोतरी होना, ये जो कितना बड़े बढ़ना है ये हम लोग तय नहीं किया, लेकिन पहले से हम लोग मांग किया 10,000 रुपीज़। अब ये 2,500 रुपया दे रहे हैं, 10,000 रुपीज़ दे रहा है, हमारा मांग था वो अमाउंट अभी इसमें नहीं लगा। और रिवाइवल ऑफ रेड ऑयल पम्प प्लांटेशन लिटिल अंडमान, और नरेंद्र मोदी जो 2 करोड़ नौकरी का सब बात बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी आने के बाद में 1,000 लोग काम किया वाला फॉरेस्ट कॉरपोरेशन बंद कर दिया, इसके बारे में अंडमान निकोबार का बीजेपी का लोग ना यहाँ का अभी का MP कुछ नहीं कह रहे, तो उनका जो है फॉरेस्ट कॉरपोरेशन का तहत लिटिल अंडमान में ये जो पाम ऑयल प्लांटेशन, रेड ऑयल पाम प्लांटेशन, तो ये जो है अभी 1,000 से ज़्यादा हेक्टर में ज़मीन फैला हुआ है, मतलब प्लांटेशन फैला हुआ है, ये अभी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, ऐसे छोड़ के रखा है, जिसको भी अंदर जाके एंक्रोच कर सकता है। तो इसका जो है ठीक तरीका से रिवाइव करके प्लांटेशन दोबारा उधर पर रिवाइव करेगा, कम से कम लिटिल अंडमान का लोगों को जो है नौकरी मिलेगा, ये हमारा मांग है। प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन स्कीम्स टू एंकरेज फार्मर्स को जो है और ज़्यादा सहूलियत देने के लिए जो उपाय जो है हम ढूंढेंगे। प्रोक्योरमेंट ऑफ डी हस्कड कॉकरेट्स डायरेक्टली फ्रॉम फार्मर्स, जो फार्मर्स से जो है डायरेक्टली वो छिलका निकाला वाला जो कॉकरेट है, क्योंकि अभी कोपरा का MSP के बारे में बोल रहे हैं, यहाँ का कोपरा जो है मेलन लेके नहीं जा रहे, यहाँ बोल रहे हैं कि यहाँ का कोपरा मेलन लेके जाएगा, ट्रांसपोर्ट का टाइम है उसका जो है ख़राब हो जाता, इसलिए कोपरा अभी नहीं ले रहे। एडवर्टाइजमेंट बहुत आ रहे, बहुत न्यूज़ आ रहा है कि MSP दे रहा है करके, यहाँ MSP नहीं मिल रहे, आप कैंपल पर जाइए लिटना में MSP नहीं मिल रहा है इधर यहाँ का जो है किसानों को, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि अगर उस तरह कोई सिचुएशन है तो जो छिलका निकाला वाला जो है लोटा नारियल यहाँ से लेके जाने के लिए MSP दे करके, ये भी हमारा मांग है। और अरेकनेट का ऊपर में, सुपारी का ऊपर में जो है GST लगा के रखा है, हमारा यहाँ का जो नॉर्थ मिडिल लिटिल अंडमान वगैरह का जो किसान लोगों को 4 पैसा हर साल मिलते थे वो सुपारी बिक्री करके, अभी नरेंद्र मोदी उसका ऊपर में भी पानी फेंक दिया, अभी GST लगा करके जो लोगों को परेशान कर रहा है। अगर CPM अगर यहाँ से जीत के जाएंगे तो हम ये GST हटाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। और फिशरीज बेस्ड इंडस्ट्रीज का, फिशरीज एंड टूरिज्म दो ही सेक्टर था इधर में, पहले से हम लोग बोल रहे थे कि नौकरी क्रिएट करने के लिए जो है लाइक वाला, लेकिन जो है इधर में फिशरीज़ को एकदम नेगलेक्ट करके रखा, फिशरीज़ में बहुत पॉलिटिक्स है, कांग्रेस और BJP जो है पूरा एंटायर फिशिंग सेक्टर जो है हाथ में रखा है, और जितना भी पैसा फिशरमैन का वेलफेयर के लिए आता वो कोऑपरेटिव का थ्रू का जरिया से कुछ लोग, चंद लोग जो है पॉकेट लीडर्स पॉकेट में डालता, आप लोग सुना होगा कुछ नेतागढ़ अभी जो है जेल में भी गया, कांग्रेस का कुछ नेता लोगों को जेल में डाला, और BJP का नेतागढ़ बाहर में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो लूटमारी हुआ था, जो लूटा था। और उसके बाद में अपग्रेडिंग एंड ऑगमेंटिंग हेल्थ केयर सर्विस, अंडमान निकोबार में हेल्थ केयर बहुत खस्ता हालत में है, और इसको जो है सुधार करने के लिए पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड्स में स्पेशलिस्ट का जो है पोस्ट है और वो फैसिलिटीज दिलाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। और डिग्री कॉलेज डिगलीपुर और कारनिकोबार में डिग्री कॉलेज का खोलने के लिए हम कोशिश करेंगे। प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन के बोलते सफिशन ड्रिंकिंग वाटर का, पीने का पेयजल का जो है बहुत किल्लत है पूरा अंडमान निकोबार में, आपको पता होगा खास करके पोर्टलेयर में जो है पिछले साल जो है 10 दिन में एक बार पानी दिया था। अगर CPM अगर जीतेंगे तो हम लोग सही प्लानिंग करके सब जगह में सही तरीका से पानी देने के लिए कोशिश करेंगे। ग्रैंड ऑफ सब्सिडी ऑन एयर फेयर असेसमेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का तरह यहाँ में भी एयर सब्सिडी देने के लिए कोशिश करेंगे। ये इशू बहुत दिन से जो है डिस्कशन में, लेकिन कुछ होता नहीं है। और चातम बेंगलोर का बीच में जो ब्रिज बनाने का प्राइम मिनिस्टर से लेके सारे लोग आकर के वादा करके किया, जो प्राइम मिनिस्टर का पहले का जो है 2014 का वादा का तरह, ये भी जो है 2018 दिसंबर 30 तारीख को नेताजी स्टेडियम में जो है अंडमान निकोबार का लोगों को संबोधित करके उन्होंने ऐलान किया था कि हम बेम्बो फ्लैट और चाटंग का ब्रिज बनेंगे, लेकिन आज जो है 6 साल हो गया अभी तक ये ब्रिज के बारे में कुछ भी काम नहीं है, 1% भी काम अभी तक हुआ नहीं है प्रॉपरली, जो है होगा नहीं होगा करके भी बताता नहीं।
और एयर सब्सिडी दो बार हो गया और लेफ्ट आउट जो कैटेगरी का जो सेटलर्स है उनको ओबीसी में लेके आने के लिए, जैसा कैंपबेल बे में है और डिगलीपुर में है, तो नेग्लिजिबल नंबर है, उन लोग थोड़ा से लोग हैं वो, इसमें पंजाब का है, केरल से है, तो उनको भी जो है ओबीसी के अंदर में लेके आने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। और पोर्ट लेयर में शिप रिपेयरिंग यार्ड का जो गठन करने के लिए सीपीएम मांग रखेंगे। और नेचुरल गैस एंड ऑयल, यहाँ जो है पहले बहुत साल 20-25 साल पहले एक बार जो इधर मैं एक्सप्लोरेशन किया था बे ऑफ बंगाल में अंडमान सी में आकर के 25-30 साल पहले, बहुत साल पहले, उसके बाद में वो छोड़ दिया, फिर वो कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं चला। अभी हम मांग कर रहे हैं कि अंडमान निकोबार से सीपीएम मांग कर रहे हैं कि इधर में ऑयल एंड गैस का वो एक्सप्लोरेशन अंडमान सी में होना, यहाँ जो है पूरा नेचुरल गैस है, ऑयल एंड नेचुरल गैस अंडमान का जो सी में है करके सुनने में, उसके बारे में जो है एक्सप्लोरेशन करना गवर्नमेंट गवर्नमेंट लैंड में जो एंक्रोचमेंट किया है अभी तक का जो है उसको सारा एंक्रोचमेंट को रेगुलराइज करना, ये भी हमारा मांग है। और हाउस से टू ऑल लैंडलेस आइलैंडर्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ रिटायर होने के बाद में, यहाँ रिटायर तक जो है क्वार्टर में रहता, कैसे आजकल जो है हम लोगों ने देखा बहुत लोगों को अपना घर नहीं है, ज़मीन नहीं है, तो रिटायर होने के बाद में किराए घर में जाते हैं, इवन सारे लोग हम लोग कहते हैं कि इधर में प्री-42 का लोग हैं उनको सबको ज़मीन, ऐसा नहीं है। अभी हमको कई केसेस है, हंड्रेड्स ऑफ केसेस हम दिखा सकते हैं कि किराए घर में रहता है, तो इतना भी जो लैंडलेस लोग हैं इधर में उनको ज़मीन देना, खास करके जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स जो रिटायर्ड जो है उनको, और ज़्यादा से ज़्यादा शिप जो है मेनलैंड आइलैंड एंड इंटर आइलैंड सेक्टर के लिए और ज़्यादा शिप का ज़रूरत है, खास करके जो इधर में कार्गो शिप जो है इधर में नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर का कार्गो शिप सब खत्म हो गया, एक भी शिप मेनलैंड आइलैंड से आता नहीं है, सारा कार्गो जो है प्राइवेट शिप में ले जाता, प्राइवेट शिप का कुछ इश्यूज़ है वो हम बाद में बताएंगे, अभी जो है नहीं बता रहे, उसमें बहुत डिटेल में बताना पड़ेगा, इसलिए बहुत एक खतरनाक सिचुएशन में हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि सारा कार्गो शिप अगर बंद हो जाएगा क्या होगा अंडमान का हाल है, तो इसलिए गवर्नमेंट सेक्टर में कार्गो शिप का होना बहुत ज़रूरी है। उड़ान स्कीम अंडमान निकोबार में अभी तक जो है इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ये तो हमेशा पूरा जो है अनाउंसमेंट बहुत कुछ होता है, काफ़ी जो है इधर में रेडियो में, टीवी में, न्यूज़पेपर, डेली ड्रामा में सब जो है वो पूरा अनाउंसमेंट आ रहे हैं, लेकिन हकीकत में इधर में कोई कनेक्टिविटी, आज भी रीजनल कनेक्टिविटी के अंदर उड़ान जो है अभी तक अंडमान में शुरू नहीं हुआ। और जो कई कैटेगरी का एम्प्लॉयज़ है, जो एलिजिबल एम्प्लॉयज़ उनका जो है कैटेगरी का अपग्रेडेशन होना चाहिए, खास करके जो है लोअर के क्लर्क एंड हायर के क्लर्क का ये भी होना चाहिए, ये भी हमारा मांग है। और वर्कर्स का डेली रेटेड मजदूर्स, आउटसोर्स वर्कर्स और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, इनका जो है रेगुलराइजेशन तुरंत होना चाहिए। और करप्शन, भ्रष्टाचार, सर हर स्तर में जो है भ्रष्टाचार बंद करने के लिए सीपीएम कोशिश करेंगे। और डीम्ड अबोलिशन पोस्ट, यहाँ जो है हजारों पोस्ट जो है डीम्ड अबोलिशन पोस्ट है, ऑटोमेटिकली 3 साल के बाद में ऑटोमेटिकली पोस्ट से डीम्ड अबोलिशन हो जाएगा, और वो पोस्ट जो है रिवाइव करने के लिए हम कोशिश करेंगे। और उसके बाद में नॉर्थ मिडिल में डिस्ट्रिक्ट में कोई एक जगह में एक टाउनशिप, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक टाउनशिप होना चाहिए, वो टाउनशिप में उधर में हॉस्पिटल, इंटरनेशनल लेवल का जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और स्टेडियम, स्कूल वगैरह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होगा, उधर में ये डिस्ट्रिक्ट डेवलप होगा, उधर से लोग इधर में आने का जो है माइग्रेशन बंद होएगा, और उधर में अभी डिफेंस सेक्टर वगैरह जो है उधर में एक्सपांड हो रहे हैं, तो कोई एक टाउनशिप जो है मिडिल नॉर्थ मिडिल में इंटरनेशनल लेवल का होना चाहिए, हमारा मांग है। और डीम्ड यूनिवर्सिटी का ऊपर दोबारा जो है एक रीलुक होना चाहिए, दोबारा इसका बारे में सोचना चाहिए, ये इतना हमारा डिमांड है, ये हम आपको जो है मेल करके दे देंगे, इसमें कुछ करेक्शंस वगैरह है, कुछ पॉइंट्स इधर उधर में निकला है, तो ये करके हम इसमें
देखिए ये मेल करके आप लोगों को दे देंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम जो है हम लोग अंडमान में कुछ करने का नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पॉलिसी डिसीजन है और बीजेपी का बीजेपी वो डिमांड है सीपीआईएम का कि वो एक बड़ा मुद्दा है, पूरा गवर्नमेंट सर्वेंट्स का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसमें सीपीआईएम का सेंटर्स से भी ये हम लोग का डिमांड है कि ओल्ड पेंशन स्कीम शुड बी रीइंस्टेटेड। सर मेरा एक सवाल है सर, जैसा अभी आयुष्मान भारत जो स्कीम जो चल रहा है ना यहाँ पर, तो आयुष्मान को जो काफ़ी दिक्कतें हो रही है, इससे पहले जो अनिश्चित स्कीम थी ना उससे जो है लोगों को मतलब इतना नुकसान तो नहीं होता था, लेकिन अभी जो स्कीम चल रही है उससे काफ़ी दिक्कतें हो रही है। ये तो आयुष्मान स्कीम एक खोखला है, आपको सबको मालूम है, यहाँ से लोग रेफर करके मेलन जाता है, परेशान होता है, वहाँ से टेलीफोन करता है इधर में, सर हमारा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। और सर उन्हें यहाँ से जो अस्पताल जो दिया जाता है ना, मैं आपको बता दूँ तो जीवन हॉस्पिटल जो यहाँ का जो है इससे भी कई गैर गुजरा, अच्छा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि अच्छा हॉस्पिटल का जो पहले ट्रीटमेंट किया वाला पैसा पेंडिंग है इधर में। अच्छा आपको मेयोट हॉस्पिटल है, मेयोट हॉस्पिटल है और दूसरा अपोलो है, कई हॉस्पिटल में करोड़ों रुपया पेंडिंग है, इधर में पैसा नहीं दे रहा है एडमिनिस्ट्रेशन, पैसा देगा उसके लिए कोई कोशिश नहीं कर रहा है, एमबी होने से भी पुराना एमबी होने से भी दूसरा कुछ दूसरे लोग सब जो है खड़ा होकर के माइक में आकर के बोल रहे हैं कि पता नहीं है स्कीम ठीक नहीं है, ऐसा करेंगे ये क्यों ठीक नहीं है उसका बारे में लोगों को नहीं बता रहे। नहीं हम लोग इस बार आप देखे होंगे कि कुछ साल के गैप के बाद फिर से सीपीआईएम उम्मीदवार दिए हैं, ये इसलिए है क्योंकि अंडमान निकोबार आइलैंड्स का जो अहम मुद्दे हैं उसको पार्लियामेंट में वो रेस भी नहीं किया जाता है, तो इसीलिए एक मजबूत आवास, आप सभी जानते हैं कॉमरेड अय्यप्पन खुद यहाँ के गवर्नमेंट सर्वेंट रहे हैं, उसके बाद पूरा यहाँ के लोगों का जो मुद्दों पर ज्वलंत मुद्दों पर संघर्ष करने वाला एक साथी है, तो ऐसा कोई वहाँ जीत के जाने का ज़रूरत है, इसलिए हम ये निर्णय भी लिए कि कॉमरेड अय्यप्पन को इस बार यहाँ से उम्मीदवार बनाने का। तो ऐसे मुद्दे हैं, आयुष्मान भारत का आप अभी बता रहे, मैं खुद यहाँ पे पूरा काफ़ी आइलैंड्स में गया हूँ, रोड का कंडीशन जो है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, रोड इतना ख़राब हालत है और जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर डायरेक्टली आता है, तो ये सब भी मुद्दे हैं, यहाँ का रेशन व्यवस्था का बात हुआ, हाउसिंग का है, होमलेस के लिए हाउसिंग। सर और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर पीएमएमएसवाई सॉरी सर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो हाउसिंग स्कीम जो दी गई थी ना उसमें भी बहुत सारे आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना उसमें भी सर जो है काफ़ी लोगों को जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लोग जो है हम जाकर बात करते हैं और लोगों का ये कहना है कि काफ़ी लोगों का जो है ईएमआई कटना शुरू हो चुका है और उन्हें पहले जो है अलग अमाउंट मतलब बताया गया था और अभी जो है एस्टिमेट जो है अलग बता रहे हैं। नहीं अब देखिए केरल में वाम जनवादी मोर्चे का सरकार है, वहाँ पे लगभग 4 लाख लाइफ मिशन बोल के 4 लाख से अधिक घर बना है वहाँ पे, और वो घर ऐसे है पक्का घर है, हम भी खुशी से उसमें रह सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो इंदिरा आवास के नाम से पहले होता था या फिर अभी प्रधानमंत्री आवास योजना में जो हो रहा है उसका क्वालिटी लेके ही एक प्रश्न चिन्ह है, तो क्योंकि केरल में जो एक घर के लिए अगर 6-7 लाख खर्च हो रहा है उसका सिर्फ 12% के आसपास केंद्र से आता है, तो जबकि ये केंद्र का काम होना चाहिए कि सभी बेघर के लिए, जबकि बड़े बड़े गारंटी का होर्डिंग जो लगा रहे कि सब बेघर 5 करोड़ लोगों को घर दिया वगैरह, उसका केंद्र से बहुत कम उसमें मदद दिया जा रहा है, ये आप जो बोल रहे हैं हाँ यहाँ 1 लाख 40 तो मेरा एक क्वेश्चन है
आप लोगों ने थर्ड नंबर में मैनिफेस्टो में जो पॉइंट रखा है, आप लोग निकोबार डिस्ट्रिक्ट को एक सेपरेट वह लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में डिक्लेयर करना चाहते हैं एक्सक्लूसिवली फॉर निकोबार ट्राइबल। सर निकोबार डिस्ट्रिक्ट एक्सक्लूसिवली ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट नहीं है, वहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा सेपरेट टैक्स सर्विसमेंट सेंटर है, साथ ही साथ श्रीलंकन सर्विस सेंटर भी है। अगर आप लोग एक्सक्लूसिवली उसको एक ट्राइबल कॉन्स्टिट्यूंसी बनाएंगे लोकसभा में, तो क्या उनका हक नहीं मान रहा है जिनको गवर्नमेंट ने वहाँ पर सेटल किया है ऑलरेडी जो नॉन ट्राइबल्स है उनका? नहीं, रिजर्वेशन का ऐसा है, आप गंदा नहीं होगा, तो ये एससी रिजर्वेशन बोलने से ये कॉन्स्टिट्यूएंसी में पूरा एससी रिजर्व खाली एससी होगा, बाकी लोग कोई नहीं है करके ऐसा नहीं है। उसमें इतना परसेंटेज इतना सुनिए, इतना परसेंटेज लोग अगर एससी होने से वो कॉन्स्टिट्यूएंसी एससी रिजर्व, इतना परसेंटेज का लोग होने से वो एसटी है, समझिए ना। तो उसी तरह जो है तो एसटी के लिए क्वालिफाइड है वो डिस्ट्रिक्ट, निकोबार डिस्ट्रिक्ट में अगर एक सीट अगर दे देंगे लोकसभा में हाउस ऑफ द पीपल में, तो वो ट्राइबल रिजर्व ही होगा जो निकोबारीज है उधर में जो है पॉपुलेशन में जाता। इससे तो आप लोग का डिमांड है, ऐसा डिमांड कई निकोबारी ट्राइबल लीडर भी करते हैं यहाँ पर, लेकिन इससे क्या आपको लगता नहीं कि वहाँ का जो जनरल पॉपुलेशन है वो उनका रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो वो डिस्ट्रिक्ट के लिए जो है वो जो भी एम पी जीत के आएंगे बोल नहीं सकता किसका एम पी जीत के। हम लोग डिमांड रखा है क्योंकि निकोबार का ट्राइबल्स का जो हालत है आज भी जो है बहुत बुरा हालत है, उनको उधर में नौकरी नहीं है, उनका पानी नहीं है, घर नहीं है, उनको कोई बेसिक फैसिलिटीज़ कुछ भी नहीं मिल रहा है उधर में। कांग्रेस बीजेपी 77 साल राज करने के बाद में कांग्रेस पार्टी ये लोगों को जो है वोट बैंक बना के रखने के बावजूद भी आज तक आप जाके देखिए उनका जो आप खुद जो है कैम्बल में आप देखा होगा, कार निकोबार में, चौरा में, जो है नंकोरी, हर जगह में उनका जीवन स्तर में कोई सुधार आज तक नहीं हुआ। तो इसलिए अगर कुछ होना है, ये खाली ये डिमांड नहीं है, हम लोग और भी डिमांड है, वो हम तो आप इसमें इंक्लूड नहीं किया, निकोबारी ट्राइबल्स के लिए और भी डिमांड्स है सीपीएम का साथ, उनका जो है ट्राइबल ए ऑटोनॉमस ट्राइबल एरिया काउंसिल वगैरह जो है। इसमें देखिए अभी हिमाचल का जो कैपिटल है शिमला है, शिमला रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसका मतलब ये नहीं कि और लोगों का कोई वहाँ पे विकास नहीं हो, क्यों वहाँ जनसंख्या और उनका जो हालत है उसमें एक सुधार होना चाहिए जो सबसे शोषित तबका है, इस सोच से और जो डिलिमिटेशन होता है और उसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डिसीजन होता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि और जो विभाग के लोग हैं उसमें और सेक्शंस जो है उनका कोई विकास नहीं होगा, ये है कि जो सबसे पिछड़ा और सबसे शोषित तबका है उनके हित के लिए ये मांग हम लोग रखे हैं। जो एक स्पेशल डिमांड आपके सामने रखा है, जो नॉर्थ मिडिल में एक सिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक सिटी डेवलप करना, आपको मालूम है आज जो सेटलर आप सेटल किया है वो सारे लोग जो है शिफ्ट करता है पोर्टर के लिए, क्यों बोले उधर कोई मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, वहाँ कोई स्कूल अच्छा नहीं है, वहाँ कोई बच्चा लोग को नौकरी मिलने का कोई सुविधा नहीं, इसलिए ये बहुत जरूरी है। वहाँ की कोई भी स्टेट में कोई यूनियन टेरेटरी में आप जाके देखो कई सिटी होगा, ये एक ही पोर्टर को डिपेंड करके जो एक ही मेडिकल कॉलेज है, ये सारे जो मेडिकल फैसिलिटीज एजुकेशन फैसिलिटीज खाली पोर्टर में है, इसलिए सारा जो लोग जो है शिफ्ट करके आता है, इसलिए ये एक डिमांड हम लोग हाईलाइट करना चाहिए। जो मिडिल नॉर्थ में अगर ऐसा एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में अगर एयरपोर्ट अगर जो कॉलेज स्कूल और मेडिकल जो मेडिकल कॉलेज अगर आने से कम जो लोग शिफ्ट करना बंद हो जाएगा और टूरिज्म इतना डेवलप हो जाएगा, बहुत आदमी को वो एरिया के आदमी को नौकरी मिल जाएगा, टूरिज्म को बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाएगा वो एरिया में, यहाँ से उधर जाना बड़ा मुश्किल है, रोड का हालत अब देखता है, अगर एयर फैसिलिटीज होएगा अच्छा वाला एक एयरपोर्ट होएगा जो लोगों को टूरिज्म से वो एरिया का जो लोगों को नौकरी मिलने का भी सुविधा होएगा। ठीक है।